बताना चाहूंगा एक बहुत गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज अराजकता बढ़ी है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, ये पिछले 5-6 साल में हमें देखने को मिल रहा है कि देश के अंदर किस तरीके से आग लगी है। यहाँ पर आपस में एक दूसरे की बर्दाश्त खत्म हो गई है, और मैं इसका सीधे तौर पे अगर किसी को आरोपी मानता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन को मानता हूँ। वो ठीक तरीके से कानून को हैंडल नहीं कर पा रहा, जिस तरीके से देश के अंदर धर्मों के बीच में आपस में सौहार्द होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, उसको खत्म करने की राजनीति की जा रही है, ये बड़े अफसोस की बात है और ये देश के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। और आज वर्तमान में तो हम सब लोग उससे आतंकित हैं ही हैं। आप देखिए कि कभी तो जो मेन मुद्दे हैं आज देश के अंदर वो है रोजगारी का, रोटी का, कपड़े का, रोजगार का, आपके आप उससे ध्यान बटाने के लिए कभी तो ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, कभी कहीं पर आप लव जिहाद की बात करते हैं। और आज की जो मौजूदा सरकार है वो जिस तरीके से ऐसे मुद्दे ढूंढ ढूंढ कर लाती है जिसके अंदर पूरा आवाम उसके पीछे लग जाता है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जिनको जो दिक्कतें हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए, उससे अलग हटकर वो उन मुद्दों के पीछे डिबेट्स शुरू कर देते हैं, अपने वाद विवाद शुरू कर देते हैं। अभी हमारे सामने देखिए एक धरना और साथियों का रखा है, जहाँ पे दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद में रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया, जो 600 साल पुराना मंदिर है उसको तोड़कर वहां पर वो क्या संदेश देना चाहते हैं। इस समुदाय के पूरे देश भर के लोगों को उन्होंने उनके दिमागी मानसिक संतुलन बिखेर दिया, तोड़ दिया, उनके सीधे दिल के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर उन्होंने कुटारा घात किया। वो लोग अपना जो उनका रोजगार है उससे अलग दिमाग हट गया, जिस तरीके से वो रोजाना मेहनत कर सकते थे, अपना काम धंधा कर सकते, वो छोड़ छोड़ कर दिल्ली के अंदर यहाँ पे धरने प्रदर्शनों में लगे कि सरकार को बताने के लिए आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। उसी दौरान वहां पर एक और उनके जो भागवत है मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। मतलब उन्होंने अगला एजेंडा भी अपना साफ कर दिया, उन्होंने कहा है कि हमें रिजर्वेशन देश से खत्म करना चाहिए, उसके लिए डिस्कशन शुरू कर दीजिए, उसके ऊपर चर्चा शुरू कर दीजिए। मतलब ये है कि जो हमारा समाज का सबसे निचला तबका है, जो दिल्ली के अंदर और देश के अंदर सफाई का काम करता है, उसको आप 6-6 महीने तक तनख्वाह देने के लिए कोई काम नहीं कर रहे, कोई कानून नहीं बना रहे, लेकिन दूसरी तरफ उनका सीधे तौर पर आप आस्था के ऊपर कुठारा घात करके उनको पूरी तरीके से बेचैन कर दे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज देश के अंदर हालात हैं, ये बहुत अच्छे ठीक नहीं है देश के भविष्य के लिए। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आप देखिए ग्रोथ रेट, जहां पर अगर मैं कहूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारा 15% ग्रोथ रेट था, आज वो -1 पे है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त के अंदर हमारा एक्सपोर्ट क्लाइमेक्स पे था, हमारे पास में फॉरेन की करेंसी बे इंतहा यहाँ पर आ रही थी देश के अंदर। आज हमारा एक्सपोर्ट माइनस में और इम्पोर्ट ज्यादा हो गया, जहाँ पर जिस देश के अंदर एक्सपोर्ट कम हो जाए और इम्पोर्ट ज्यादा हो जाए इसका मतलब उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, आज वही देश के हालत है। तो इन सब मुद्दों से अलग हटकर ये जो वारदातें होती हैं, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम आपने रखा सुनील जी और मेहंदी अली भाई, इस तरीके के कार्यक्रम हमारे को जिला के स्तर पर भी लेके जाने चाहिए। अभी मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के किराड़ी के उनका फोन आया कि वहां पर एक मौलाना साहब के साथ में इस तरीके की वारदात हुई, उनके साथ में बदतमीजी की। खैर हमारे वहां पे लोग थे, डिपार्टमेंट के लोग थे, वहां पहुंचे, वहां पे पुलिस में बात की, लेकिन हमारे को इन सब चीजों के लिए भी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रेशर बनाएं कि इस तरीके का कोई कानून ये सरकार लेकर आए मॉब लिंचिंग के खिलाफ और इस तरीके की वारदातों के खिलाफ, ताकि देश के अंदर लोग प्यार मोहब्बत से और आपसी सौहार्द के अंदर रह सकें, जी सकें।